तेजस्वी यादव सोने के चम्मच लेके जन्म लिए हैं, लोकतंत्र में उन्हें विश्वास नहीं है, संवैधानिक संस्था पर उन्हें विश्वास नहीं है। एक लोकतंत्र में विश्वास करने वाले व्यक्ति के मुंह से इस तरह की आवाज नहीं निकल सकती है। एसएसपी पोस्टमार्टम के पहले ही रिपोर्ट जारी कर दिए। वाह रे यहाँ के प्रशासन हस्तिनापुर के गुलामों, केंद्र सरकार ये अराजकता की वातावरण को संज्ञान में ले और महामहिम राज्यपाल महोदय भी संज्ञान में लेकर एक कार्रवाई करे। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कल के हुए इन तमाम घटनाओं पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ है तो बिहार पुलिस को हस्तिनापुर के गुलाम बताया है। तो वहीं जिस तरीके से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो आरोप लगाया कि इन लोगों ने हुड़दंगे किया है, तो साफ तौर पर उनका कहना है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव हैं तो वो सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर जोरदार हमला करते उन्होंने कहा है कि हम लोग राज्यपाल से भी मांग करेंगे और केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि इसकी जांच पूरी हो और जो लोग को बचाया जा रहा है उन पर कार्रवाई की जाए। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो नेता थे उनकी जो जान गई है और उसको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा है कि ये प्रदर्शन के दौरान उनकी जान गई है, हालांकि जो जिला प्रशासन है उसका कहना है कि हार्ट अटैक से उनकी जान गई है। अब देखना है कि सच्चाई क्या है, लेकिन बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं, पूरा बयान सुनिए। देखिए, निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र की हत्या की गई है और लोकतंत्र के हत्यारे आज अपने अपराध भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए सदन के अंदर सदन के बाहर जिस तरह से ये बर्बरतापूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं और जिस तरह से जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील करने का प्रयास कर रहे हैं, इसके विरोध में हम लोग आज काला दिवस मना रहे हैं और सदन से सड़क तक ये लड़ाई अब जारी रहेगी और इनके इस गुंडा राज को खत्म करने तक हम लोग लड़ेंगे। ये बात है, भारतीय जनता पार्टी का जो कल मार्च था उसको तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये गुंडागर्दी थी। तेजस्वी यादव सोने के चम्मच लेके जन्म लिए हैं, लोकतंत्र में उन्हें विश्वास नहीं है, संवैधानिक संस्था पर उन्हें विश्वास नहीं है। एक लोकतंत्र में विश्वास करने वाले व्यक्ति के मुंह से इस तरह की आवाज नहीं निकल सकती है। कि प्रशासन तो अपना काम करती है, जब हम लोगों ने भी किया, प्रशासन सर पर लाठी चलाती है स्पेशल निर्देशित करके। अरे प्रशासन शांतिपूर्ण जुलूस पर लाठी कैसे चला सकती है? कोई उपद्रव नहीं, कोई हंगामा नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं, ये गुंडागर्दी है और गुंडे लोग गुंडागर्दी करवाते हैं, इसकी कीमत अदा करना पड़ेगा, बिहार की जनता माफ नहीं करती है। कह रहे हैं कि वो उनका हार्ट अटैक हुआ है, लाठी से उनकी चोट। तेजस्वी यादव जी, एसएसपी पोस्टमार्टम के पहले ही रिपोर्ट जारी कर दिए। वाह रे यहाँ के प्रशासन हस्तिनापुर के गुलामों, इसकी स्पेशल जांच कमेटी बनेगी और इस तरह के मानसिकता पर पोस्टमार्टम नहीं होता है, रिपोर्ट भी जारी हो जाती है। अंदर में ब्रेन हेमरेज ब्लड का बिना पोस्टमार्टम के पता चले, लेकिन ये लोग जारी करते हैं। किस तरह से छुपाते हैं हस्तिनापुर के गुलामों को बचाने के लिए, ये किस तरह से लगते हैं, ऐसी मानसिकता को हम लोग। दर्ज किया गया है, नामजद दर्जनों लोगों पे एफआईआर हुआ है। ये तो यही करेंगे, भ्रष्टाचार अपराध के विरोध में बोलने वाले पर उसको अभियुक्त बनाएंगे, उस पर लाठी बरसाएंगे, उसकी आवाज को दबाएंगे, लेकिन लोकतंत्र में विश्वास करने वाले इनके इस दमनकारी नीति से नहीं डरेगा। आपकी केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय, वो रिपोर्ट तलब की है राज्य सरकार से, रिपोर्ट मांग रहे हैं आप की सरकार? पूरी तरह से अराजकता का वातावरण में बिहार फंस चुका है, 5-5 विभाग लेकर लूट की छूट चाहता है, एक सजग विपक्ष इसकी लूट की छूट को बंद करना चाहता है। केंद्र सरकार ये अराजकता की वातावरण को संज्ञान में ले और महामहिम राज्यपाल महोदय भी संज्ञान में लेकर एक कार्रवाई करे। गृह मंत्रालय रिपोर्ट है ना?